नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर पर एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां माननीय जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पीके सिन्हा एवं समस्त माननीय न्यायाधीश गण और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में माँ सरस्वती के शैलचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग मामले, मोटर व्हीकल एक्ट एवं बैंक नगर पालिका वसूली मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया गया। वही एक्सीडेंट मामले में दिव्यांग बच्ची करिश्मा यादव को जिला न्यायालय एवं बीमा कंपनी के सहयोग से 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। वही नेशनल लोक अदालत में 408 प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह एवं राजीनामा से किया गया, जहां आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 38,70,203 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। जहां नेशनल लोक अदालत में आए हुए पक्षकारों ने प्रकरणों का निपटारा हो जाने से खुशी जाहिर करते हुए न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वही आयोजित नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीशों सहित समस्त अधिवक्तागण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और पक्षकारगण उपस्थित रहे। पीसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लोक अदालत का जो प्रक्रिया था मेरा निपट गया, 892 रुपया रहा, लोक अदालत में निपट गया। नेशनल लोक अदालत है, जो भी अपना काम है अच्छे से हो गया। न्यायालय में धन्यवाद देता हूँ और न्यायाधीश के भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे प्रवासी बच्ची का प्रयास हुआ है। हमेशा की तरह आज भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन उमरिया कोर्ट में किया गया। मेरे द्वारा टोटल 25 मुकदमों का निराकरण करवाया गया। उसमें सर्वप्रथम एक लड़की का पांव कटा था, दया याचना करते हुए बीमा कंपनी के द्वारा उसमें 5 लाख रुपए का राजीनामा किया गया। एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ था, उसको 5.5 लाख रुपए का राजीनामा किया गया और उसी तरह कई सारे क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया। इसका नाम करिश्मा है, पिता का नाम राम किशोर है, ये छोटी पाली की रहने वाली है और 4.5 साल की उम्र में इसका ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ और इसका कमर से पूरा पैर खराब हो गया। स्थायी रूप से 60% विकलांग है और जैसा कि क्लेम हुआ और क्लेम में मानूंगा खट्टर जी का बहुत बड़ा सहयोग था और बीमा कंपनी की बहुत बड़ी कृपा थी, इसको भरपूर मुआवजा जो क्लेम का है वो मिला और 5 लाख रुपया पहली बार ये माना जाएगा कि इस बच्ची को इस उम्र के कारण। ये आज जो है लोक अदालत रखी गई है जिसमें कि विद्युत और क्लेम भिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण होना था, जिसमें छूट भी दी जा रही थी। मेरे भी घर का बिल था, उसमें रीडिंग अधिक थी और बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आए थे। बिजली रीडिंग जो है अंकित ज़्यादा थी और रीडिंग में जो है उससे और ज़्यादा थी, तो ये देख करके अपन आज लोक अदालत में विद्युत विभाग में गए। उन्होंने क्या ढाया रजिस्टर और देख करके बोला कि इसमें सुधार किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत परंपरागत तरीके से आज उमरिया न्यायालय में जिले एवं सत्र न्यायाधीश सिन्हा साहब ने शुभारंभ किया और इस लोक अदालत के माध्यम से जो राजीनामा योग प्रकरण है, क्लेम के प्रकरण, दीवानी प्रकरण, 138 के प्रकरण और जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण है जो कि माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, उनका भी आज यहाँ पे निराकरण किया गया है। सर, आज विशेष बात यह रही कि करीबन 8-9 साल की बच्ची जिसका जी पैर बिल्कुल उसकी कमर के पास से कट गया था एक्सीडेंट के बाद बच्चे, और उसको एक माह के अंदर माननीय न्यायालय ने निरीक्षण करते हुए 5 लाख रुपए की अवार्ड राशि की निश्चित रूप से उसके लिए बीमा कंपनी, न्यायालय, सभी लोग धन्यवाद के प्राप्त हैं। और करीब अभी प्रकाशन पट गए हैं, अभी और आ रहे हैं और शाम तक चलेगा। आज जिला न्यायालय उमरिया में माननीय जिला न्यायाधीश श्री पी के सिन्हा जी के योग्य मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पाली और मानपुर को मिलाकर कुल 8 खंडपीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। प्री लिटिगेशन में 2,254 केसेस रेफर किए गए थे, जिसमें से 176 केसेस का निपटारा किया गया है और 6,75,203 रुपये का अवार्ड घोषित किया गया है और 179 लोग बेनिफिटेड हुए हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट में लंबित प्रकरणों के संबंध में बात की जाए तब न्यायालयों में मोटर दुर्घटना से संबंधित 79 केसेस रखे गए थे, जिसमें से 30 केसों का निपटारा किया गया है।
3,77,000 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए हैं, 40 लोगों को लाभ पहुंचा है। इसके अलावा अगर 138 के केसों के बारे में बात की जाए तो 159 केसेस रखे गए थे, जिसमें से 2 केसेस का निपटारा किया गया है और 76,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है और 4 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं। अगर हम कुल प्रकरणों की बात करें तो 708 कुल केसेस लोक अदालत में रेफर किए गए थे, जिसमें से 44 केसों का निपटारा किया गया है और 31,77,000 रुपए की राशि लोगों को दी गई है। इसमें 73 लोग बेनिफिटेड हुए हैं। तो इस द्वारा अलग अलग खंडपीठों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण इसमें एक करिश्मा नाम की बच्ची थी, छोटी बाली की, उसका पैर एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गया था, बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गया है वो पैर। तो उस बच्ची को 5,00,000 रुपए का अवार्ड दिया गया है और शायद इतनी इस प्रकार की चोट में अभी तक जो राशि प्रदान की गई है अधिकतम राशि है। मेरा आगे लोगों से ये निवेदन रहेगा, ये आग्रह रहेगा कि आने वाली लोक अदालतों में अधिक से अधिक अपने प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाएं और इनका निराकरण करवाएं।